नहीं मानेगा, ताले को ज्यादा मजा आ रहा है। स्ट्रीट फूड, इंडिया में स्ट्रीट फूड ऐसे मिलते हैं जैसे इंटरनेट पे कंट्रोवर्सी मिलता है। इंडिया में स्ट्रीट फूड इतने हाइप पे चलता है जैसे बिग बॉस में फाइट चलता है। स्ट्रीट फूड इतने टेस्टी होते हैं जितना थिएटर में मस्ती होते हैं। आजकल स्ट्रीट फूड बनाने वाले इतने क्रिंज मिलते हैं जैसे इंस्टाग्राम पे रील मिलते हैं। तो चलो भाई, इंटरनेट पे नेट खत्म करते हैं, स्ट्रीट फूड खोजते हैं, खाते हैं, पीते हैं और बढ़िया से बजाते हैं। क्लास में गलती करने पे टीचर थप्पड़ मारते हैं, घर में गलती करने पे पेरेंट थप्पड़ मारते हैं, दोस्तों के बीच गलती करने पे सब मिलकर मारते हैं, यूट्यूब पे कोई गलती करता है तो हम रोस्ट मारते हैं। एक पंखा क्यों नहीं लगा था? अरे मालिक, पंखा लगा लेगा तो आप कचौड़ी खाने नहीं आइएगा, ये खाएंगे सिला हुआ। ओ अच्छा, वो नरम चिमड़ कचौड़ी खाएंगे। मालिक पैसा कमाना बहुत टफ है सर। मिल गया जवाब, हो गए खुश, मिल गई शांति। पैसा कमाना बहुत टफ है पर जवाब देके किसी का मुंह बंद करना एवरेस्ट पे चढ़ने से भी आसान है। एक महीना न नहाओ तो शरीर में इतनी खुजली नहीं होती जितना ये फूड ब्लॉगर लोगों को हर बात में, हर समय और हर किसी से पूछने की खुजली होती है। लोग ये पकौड़ी खाने के लिए पैसा पेड करते हैं और ये फूड ब्लॉगर बेइज्जती होकर जाते हैं। बैंक में सिक्योरिटी, हॉस्पिटल में डॉक्टर और स्ट्रीट फूड वाले दुकान में हाइजीन का रहना कोई मतलब नहीं बनता। स्ट्रीट फूड उसे कहते हैं जिसे देखने में अच्छा लगता है, इंतजार करने में बुरा लगता है, खाने में स्वादिष्ट लगता है और सुबह सुबह जोरदार लगता है। क्या बेच रहे हैं? फल और फूल बेच रहे हैं जी। पूछ लिया, मिल गया संतुष्टि, हो गए खुश। इन फूड ब्लॉगर को ये हरकतें देख मुझे ट्रैफिक में हॉर्न मारने वाले याद आ रहे हैं। क्या करना चाहिए इन लोगों को, क्या जवाब देना चाहिए बताओ भाई, कोई कमेंट में बताओ। अंकल आज पूरा सिग्मा मेल बने ग्राहक को मिठाई बेचने के लिए तैयार है और ये फूड ब्लॉगर नाक बन के बीच में चला आता है। स्ट्रीट फूड, ये स्ट्रीट फूड को रिकॉर्ड करके उस पे कमेंट्री करने वाले ये आजकल के फूड ब्लॉगर, पता नहीं जैसे हम रोस्टर फूड ब्लॉगर को पसंद नहीं करते वैसे ही ये फूड ब्लॉगर दुकानदार लोगों को पसंद नहीं है। स्ट्रीट फूड के नाम पे कुछ भी बनाया जा रहा है, खाना है देख खाना नहीं है। आजकल लोग थोड़े व्यू के लिए कुछ भी बनवा रहे हैं। ये फूड ब्लॉगर शरीर में होने वाली बीमारी की तरह सोशल मीडिया का सबसे बड़ा बीमारी बना घूम रहा है। बाइक चलाते समय सामने सड़क पे पत्थर चलाता है, उठा के दूर कर देता हूँ। अगर बाइक चलाते समय ये फूड ब्लॉगर सामने आ गया तो कुछ करूंगा नहीं पर बहुत दूर जाके गिरेगा। स्ट्रीट फूड, पहले लोग स्ट्रीट फूड बनाते थे और बड़े प्यार से हम लोग खाते भी थे। पहले लोग रेसिपी के सारे मटेरियल घर से लाते थे, मिलाते थे, रेडी करके परोस देते थे, मजा आ जाता था। पर अब लोग स्ट्रीट फूड बनाते नहीं है, इन्वेंट करते हैं, रेसिपी के मटेरियल लाते नहीं है, डेयरी मिल्क निकाल के उसी समय तैयार करते हैं। आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है। कैसे कहूँ मैं ओ यारा, ये प्यार कैसे होता है। जूता पहन क्यों रहे हो, वो भी डाल दो, कुछ तो टेस्ट बढ़ जाएगा। हल्का तीखा बोल के मस्त मिर्च डाल के खिला देना। ये हाथ भी क्यों धो रहे हो, एक बार इसमें छलांगी लगा दो, कोई कंपटीशन ही नहीं बचेगा। नमक का पूरा बोरा ही डाल दो, लोग सोडियम और कैल्शियम लेके खुशी से झूम उठेंगे। ये क्या मसाला है, सुबह का मौत है, खाने के बाद सूरवीर कहलाओगे और सुबह अपना शरीर त्याग के दानवीर कहलाओगे। नीली टोपी वाले भैया, मसाले का रेसिपी याद रखना, बहुत काम आने वाला है। ऊपर कोई पूछेगा तो बेहतर तरीके से बताना क्या हो रहा है। ये लोग कुछ भी खा रहे हैं, बीमारी आ नहीं रहा है, बीमारी हम पाल रहे हैं। ये देखकर अंबानी को इस बात का डर है कहीं इसके बगल में कोई हॉस्पिटल न खोल दे। आराम से चाचा, बगल में कोई रेलवे स्टेशन नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, किसी का ट्रेन नहीं छूटने वाला है। इस तरह रेसिपी को मिलाने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से चाचा। ये बनाने के बाद एक काम करना, ये वीडियो रिकॉर्ड करने वालों को दोनों गाल पे मस्त बजा के जाने देना। जहाँ कुछ देखा नहीं फूड ब्लॉगर के नाम पे रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हैं। पहले लोग खाने के लिए चौराहे पे गाड़ी रोकते थे, आजकल स्ट्रीट फूड के नाम पे नौटंकी बनाते हुए देखने के लिए गाड़ी खड़ा करते हैं। नए साल की तैयारी लोग ऐसे कर रहे हैं जैसे 2023 में उन्होंने बॉडी बना लिए हो, जैसे 2023 ने खुशी का पूरा कंटेनर दे दिया हो, जैसे 2023 ने टेंशन, तकलीफ, डिप्रेशन और ओवरथिंकिंग एंजॉय करने के लिए दिया हो। अगर 2023 ने कुछ दिया है तो वो है कंट्रोवर्सी, पर्सनल, प्रोफेशनल और मोटिवेशनल।
पी भी लिया, ये लोग कौन से गोला से आए हुए हैं, या मैं ही गलत गोला पे आ गया हूँ। कोई कुछ भी बना रहा है, कोई कुछ भी रिकॉर्ड कर रहा है, कोई कुछ भी खाए और पिए जा रहा है। बर्फ को इतने साफ सुथरा जगह पे कौन तोड़ता है। ऐसा करो, लोग धूप में कपड़ा डालते हैं सूखने के लिए, तुम इस बर्फ को सड़क पे डाल दो पिघलने के लिए। जब पिघल जाएगा उसके बाद इकट्ठा करके डाल देना। लोग जब पीने को तैयार है तो डालने में कैसी शर्म। एक समय था जब लोग स्ट्रीट फूड के नाम पे 2 रुपए का कचरी मुढ़ी लिया, खाया और घर चल दिया। ज्यादा कुछ हुए तो साथ में जलेबी ले लिया करते थे। समय बदल गया है, अब लोग बर्गर, मोमो, रोल, चाट और बिरयानी जैसे स्ट्रीट फूड खाते हैं, और अगले दिन सुबह सुबह पीछे से दुख पीड़ा होने के बाद भी फास्ट फूड के नाम पे सब कुछ भूल जाते हैं। हाँ, ये कर लो पहले। ये लोग रेसिपी के साथ एक्टिंग भी मिक्स करते हैं। मैं फालतू ही सलार मूवी देखने चला गया था, जब कोस्को का बॉल ही उछलते देखना था तो इसे ही देख लेता। इतना भयानक वाला जूस नहीं बनाना था भाई। रुक जा, बस कर भाई देख के, नहीं तो गलती से गलती हो गया फिर गलती से हॉस्पिटल चला जाएगा। कोई ऑमलेट में डेयरी मिल्क मिला रहा है, कोई जूस में साउथ मूवी का फाइट सीन मिला रहा है। बाइक चलाते समय लेफ्ट राइट देखने का आदत छूट सकता है। इंस्टाग्राम पे रील देखने का आदत वो भी छूट सकता है। कंट्रोवर्सी में मस्ती करने का आदत वो भी छूट सकता है। पर ये स्ट्रीट फूड खाने का तरफ सुबह संडास में जल्दी ले जाता है। ये अपने मोहल्ले के ऑलराउंडर पर्सन है। जब अरिजीत सिंह बिजी होते हैं तो डायरेक्टर इसे ही बुलाते हैं। अगर कोई कॉल आ गया तो 3 लोगों को जोड़ने भी चले जाते हैं। टाई देख रहे हो, आईडी कार्ड देख रहे हो। इतना ही नहीं, डांस इंडिया डांस का सबसे टॉप लेवल का कंटेस्टेंट है। इसके गाने सुनकर लोग अरिजीत सिंह का प्लेलिस्ट सुनने लगते हैं। कान भी तो साफ करना पड़ता है। ये सब करके मूवी में कास्ट करने का मौका मिलता तो अर्जुन कपूर पूरे दिन इंस्टाग्राम से लेके यूट्यूब पे यही कर रहे होते। तो चलो यार, वीडियो जस्ट फॉर इंटरटेनमेंट पर्पस। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक मारो, चैनल पर सब्सक्राइब मारो। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ।